सर आप अपना परिचय बताएं। हाँ, मैं थानाध्यक्ष चौड़ेपुर, और अभी 3 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है और अपना कारोबार ग्रहण करके अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहा हूँ। जी, इसके पहले आप कहाँ पर थे? इससे पहले मैं थाना चीरगंज के अंतर्गत नाटी मिली पुलिस चौकी आती है उसी चौकी में मैं चौकी था। उस चौकी के अंतर्गत एक 7 साल पहले मर्डर हुआ था, उसका भी खुलासा किए थे आप? हाँ, वहाँ पे जब मैं था तो उसी दौरान एक हत्याती जो थाना चील मिर्जापुर के अंतर्गत किया गया था, यहीं के 3 लड़के जाके अपने उसमें से एक जो था वो उसकी पत्नी का गला रेत करके चील थाना में उन्होंने किया था, तो उसी का खुलासा हुआ था चीलगंज। जी, इस थाना चौबेपुर में आपकी क्या प्राथमिकता है? थाना चौबेपुर में हमारे उच्च अधिकारियों ने जिस उद्देश्य में नियुक्त किया है उसमें सर्वप्रथम जो है अपराध को रोकना, तो अपराध को रोकने की प्रथम प्राथमिकता है, जो कि पुलिस का सर्वप्रथम पहला कर्तव्य होता है। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है जन सुनवाई। हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता की जितनी भी समस्याएँ हमारे थाने पर आ रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जन सुनवाई अधिकारी और हम मिलकर उसको सुने, और कोशिश है कि हम थाने स्तर से ही उनको निस्तारण करने का प्रयास करें, और जो हमारे राजस्व संबंधी जो मैटर हैं वो राजस्व अधिकारियों से मिलकर उनसे बात कर जी भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में पूर्ण रूप से हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं से भी कोई शिकायत होगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, मीडिया के कवरेज को आप गंभीरता से संज्ञान में लेते हैं? भाई बंधु हमारे एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं इस उद्देश्य मतलब मिलने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग जब भी भविष्य में मिलें तो अच्छी अच्छी चीज़ों को, जो भी चीज़ें पुलिस करती है या जनता के द्वारा, सारी चीज़ों को स्वच्छता से पारदर्शिता से वो करें, प्रेस में दें और हमारा सहयोग करें। बस यही आप लोगों से उम्मीद है, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और एक मुलाकात की और बातचीत हुआ, परिचय हुआ।